हेलो स्टूडेंट, तो देखो जब पर भी हमारे पास ऐसा कोई सवाल आए तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो पहली बात, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, तो इसका मतलब क्या है। तो जैसे हमारे पास कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए तो ए प्लस ए बी सी है, तो ये इनके जो तीनों एंगल होते हैं, इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, पाई। जब भी हमारे पास, अगर कभी हमारे पास क्वेश्चन में ये भी आ गया कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो वहाँ पर हम मान भी लेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमारे पास ये क्या है कि अगर इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इक्वल टू फोर साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। ये फार्मूला होता है हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी का। तो इसमें साइन सी प्लस साइन डी का लगा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टू साइन टू ए प्लस टू बी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, मतलब टू ए माइनस टू बी अपॉन टू प्लस क्या हो जाएगा ये साइन टू सी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, टू साइन, ये देखिए यहाँ पे टू टू है तो टू कॉमन लेने पे टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा क्या, ए प्लस बी इंटू कॉस, ये भी यहाँ से टू चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये ए माइनस बी प्लस साइन टू सी। तो साइन टू सी का हम फार्मूला क्या जानते हैं, साइन टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यह ये वाला फार्मूला यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे तो साइन टू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू साइन सी इंटू कॉस सी, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है हमारे पास जब गिवन है, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी, ठीक है। ए प्लस बी सी को इधर ले गए तो पाई माइनस सी हो जाएगा, तो यहाँ पर ए प्लस बी के स्थान पर पाई माइनस सी रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन पाई माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस टू साइन सी इंटू कॉस सी। अब हम जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा। देखिए साइन पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन आ गया और साइन का साइन ही रहेगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन सी इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी प्लस टू साइन सी इंटू कॉस सी, ठीक है। अब ये देखिए टू साइन सी कॉमन है यहाँ पे, तो टू साइन सी कॉमन ले लेते हैं हम, ये टू साइन सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी प्लस कितना हो जाएगा, ये कॉस सी, ठीक है। अब देखिए इधर ये क्या हो जाएगा, टू साइन सी, ठीक है। अब कॉस ए माइनस बी प्लस इसी के स्थान पे हम क्या रख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई जब है तो सी बराबर क्या, हम इधर देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है तो सी इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब तो क्या हो जाएगा, इधर कॉस पाई माइनस ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए ये क्या रहेगा, टू साइन सी कॉस ए माइनस बी, ठीक है, प्लस कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, साइन कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। तो ये प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा, इधर माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी का यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, मतलब ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बाई टू, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, मतलब ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी बाई टू, तो ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी, तो जब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी अपॉन टू, ठीक है।
अब इधर देखिए ये क्या हो जाएगा, टू साइन सी, ये माइनस टू, ए बी से बी चला गया और ये इसमें क्या माइनस ए से ए चला गया, ठीक है, माइनस ए से प्लस ए चला गया। अब देखिए माइनस टू साइन ए, ए कितना हो जाएगा टू ए, तो टू ए अपॉन टू कितना हो जाएगा टू साइन ए, इंटू साइन माइनस बी माइनस बी माइनस टू बी अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो साइन माइनस बी, तो साइन माइनस बी आ जाएगा इधर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है कॉस थीटा, ठीक है। तो अब क्या होगा इधर, तो टू साइन सी, इधर माइनस टू साइन ए इंटू माइनस साइन बी हो जाएगा, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई का वो है, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब इसमें हम इस टू साइन सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टू कितना हो जाएगा फोर, फोर साइन ए, फोर साइन ए इंटू साइन बी, सीरियल वाइज लिख रहे हैं, इंटू साइन सी, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है।